PR 307 इकाई संख्या 4 DP स्प्लिट्स की इस कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि लिथोग्राफी का सिद्धांत ग्रीस रिपेल्स वाटर और वाटर रिपेल्स ग्रीस पर आधारित होता है। ग्रीस इमेज एरिया की नेचर है और वाटर नॉन इमेज एरिया का, यानी ग्रीस और पानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, तो ऑयली नेचर ऑफ इमेज एरिया और नॉन ऑयली नेचर ऑफ नॉन इमेज एरिया एक दूसरे को पृथक करते हैं। तो चाहे ये पद्धति हो या और कोई पद्धति हो, लिथोग्राफिक प्लेट्स जितनी भी हैं वो सेपरेशन ऑफ ग्रीस एंड वाटर थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीस रिपेल्स वाटर, वाटर रिपेल्स ग्रीस पर आधारित होती हैं। जहाँ सामान्य प्रकार की प्लेट्स जो नेगेटिव वर्किंग होती हैं, डीपेज प्लेट्स सामान्यतः पॉजिटिव वर्किंग प्लेट होती है। इसका मतलब डीपेज प्लेट में पॉजिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव के इस्तेमाल करने का मतलब है उसके एक्सपोज्ड भाग हैं वो हार्ड होंगे, यानी नॉन इमेजियर बनाएंगे, और अनएक्सपोज्ड भाग हैं वो सॉफ्ट रहेंगे, डेवलपिंग के दौरान साफ होकर निकल जाएंगे और वो इमेज जरिए बनाएंगे। यानी पॉजिटिव के थ्रू एक्सपोजर जब होता है उस किसी प्लेट में, तो उसमें अनएक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया और एक्सपोज्ड भाग नॉन इमेज एरिया का निर्माण करता है। डीपेस्ट प्लेट में डीप और एच दो शब्द हैं। डीप माने गहरा, एच माने कटा हुआ, यानी एक ऐसी प्लेट जिसमें कुछ भाग नीचे की तरफ धंसा हुआ, डिप्रेस्ड कंडीशन में इन डेप्थ हो, वो हमारी डीप एच प्लेट कही जाएगी। यानी इसमें इमेज एरिया कुछ गड्ढे में इन इंटेग्लियो कंडीशन होता है, डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है, और नॉन इमेज एरिया कुछ थोड़ा सा स्लाइटली अबव इमेज एरिया। यानी इमेज एरिया इज स्लाइटली बिलो नॉन इमेज एरिया एंड नॉन इमेज एरिया इज स्लाइटली अबव इमेज एरिया। तो ये कह सकते हैं ये कुछ इमेज एरिया की रेज सरफेस होने और नॉन इमेज एरिया की डेप्थ सरफेस होने की वजह से हम डीपेज प्लेट कह देते हैं। डीपेज प्लेट निर्माण की प्रक्रिया सरफेस प्लेट या जो जनरल प्लेट है उनके अपेक्षा कुछ कठिन है। इसमें एक बार एक्सपोजर के पश्चात इमेज एरिया को की एचिंग की जाती है, पर इमेज एरिया को सुरक्षित रखते हुए नॉन इमेज एरिया की एचिंग की जाती है। इमेज एरिया को इंक रिसेप्टिव बनाया जाता है, नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्ट बनाया जाता है। इसकी वही स्टेजेस हैं जो सामान्य स्टेजेस सभी की होती हैं। तो इसके बारे में कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके स्टेजेस को जानने के बाद कुछ छोटे सवाल बनाएंगे, फिर बड़े सवाल बनाएंगे। ऐसी लिथो प्लेट जिनका इमेज एरिया कुछ धसी हुई अवस्था डिप्रेस्ड कंडीशन में और नॉन इमेज एरिया कुछ उभरी हुई अवस्था नहीं रेस्ट कंडीशन में होता है, उसको डीपेज प्लेट कहते हैं। डीपेज प्लेट की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसको इसकी जो एक्सपोजर है वो पॉजिटिव के थ्रू की जाती है, और इसमें डेवलपिंग के दौरान विशेष क्रियाओं के तहत इमेज एरिया को अलग तरीके से ट्रीट करके इंक रिसेप्टिव बनाया जाता है, नॉन इमेज एरिया को अलग तरह से ट्रीट करके वाटर रिसेप्टिव बनाया जाता है। इनकी कोटिंग में दो प्रकार के होते हैं, वाइक्रोमेटेड PBA पॉलीविनाइल एल्कोहल और वाइक्रोमेटेड गम अरेबिक। तो वाइक्रोमेटेड गम और वाइक्रोमेटेड PBA की कोटिंग में इनकी कोटिंग की जाती है। उसके पश्चात वो सभी सामान्य चरण जो जनरल प्लेट मेकिंग ऑपरेशंस में हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। सामान्यतः जो प्लेट मेकिंग के चरण होते हैं, कोटिंग है, एक्सपोजर है, डेवलपमेंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट है, लेकिन इनको विस्तार से समझने के लिए हम कह सकते हैं काउंटर एचिंग ऑफ प्लेट, कोटिंग ऑफ प्लेट, एक्सपोजर ऑफ प्लेट, स्टॉपिंग आउट ऑफ स्टॉपिंग आउट ऑफ अनएक्सपोज्ड एरियाज, डेवलपिंग, डीप एचिंग, एल्कोहल वॉश, कॉपराइजिंग, अप्लाइंग नॉन बाइंडिंग लेकर, अप्लाइंग डेवलपिंग इंक, क्लियरिंग द प्लेट, एचिंग एंड गमिंग। इनमें एचिंग शब्द दो बार आया है, पहली एचिंग
इमेज एरिया के लिए है, दूसरी एचिंग नॉन इमेज एरिया, जहाँ डीप एच शब्द से एचिंग को कहा गया है वहाँ इमेज एरिया को डेप्थ में लाना है, और जहाँ सिर्फ एचिंग शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ नॉन इमेज एरिया पर हार्डन कोटिंग जो एक्सपोज्ड भाग है उसको हटाना है। इस तरह लगभग 13 हैं, कोटिंग है, एक्सपोजिंग है, यानी काउंटर एचिंग, कोटिंग, एक्सपोजिंग, स्टॉपिंग आउट, डेवलपिंग, डीप एचिंग, एल्कोहल वॉश, कॉपराइजिंग, नॉन बाइंडिंग लेकर, डेवलपिंग इंक, प्रोसेसिंग, क्लियरिंग, एचिंग और कमिंग। इन सब छोटी छोटी क्रियाओं का उद्देश्य यह है कि ग्रेन प्लेट की सरफेस को साफ करते हुए उस पर कोटिंग अप्लाई करेंगे, उसे एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज करने के बाद उसे डेवलप करेंगे, डेवलपिंग के बाद इमेज एरिया को डेप्थ में लाएंगे, इमेज एरिया के बाद फिर उस पे डेवलपिंग इंक अप्लाई करके और उसको इंक रिसेप्टिव बनाएंगे, फिर नॉन इमेज एरिया को सुरक्षित करते हुए इमेज एरिया को सुरक्षित करते हुए नॉन इमेज एरिया को कुछ उसकी जो एक्सपोज्ड भाग है उसको हटाया जाएगा। तो उसके थोड़े में हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो इनकी समस्त प्रक्रियाओं को काउंटर एचिंग से लेके गमिंग तक की जितनी भी 12-13 प्रक्रियाएं हैं उनके लिए केमिकल्स रेडीमेड बाज़ार से उपलब्ध होते हैं, उसमें एप्लीकेशन मेथड, कंटेंट, कैसे प्रयोग में लेना है, कितनी मात्रा लेनी है, सब लिखा होता है। ये सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से ज़्यादा मानसिक तनाव पालने की बजाय आपको उतना ही लिखना है जो आपके लिए अच्छा हो, और ज़्यादा के चक्कर में गलत न लिखें, आप उसकी प्रक्रिया का हवाला दे दें, और रही उसकी वो कैसे बनता है, उसमें क्या मात्रा है, इतनी चीज़ें अगर उसमें पूछी गई तभी लिखनी है, नहीं पूछी गई है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, बस प्रक्रियागत भाग को हमें दिखाना है। काउंटर एचिंग में ग्रेन सरफेस के ग्रेन्स को सुरक्षित रखते हुए उस प्लेट को हल्का सा साफ किया जाता है हल्के एसिड के द्वारा, ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित साफ हो जाए और उस पर कोटिंग अप्लाई हो जाए। इसके बाद वाइक्रोमेटेड गम अरेबिक है, वाइक्रोमेटेड पीबी है, उसकी हम कोटिंग करते हैं, कोटिंग बाद पॉजिटिंग के साथ उसे एक्सपोज करते हैं। एक्सपोजर के लिए पॉजिटिव का प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव में जब प्रकाश का एक तरह से जो रिएक्शन होती है वो एक्सपोज्ड भाग पे होती है और अनएक्सपोज्ड पे नहीं होती, एक्सपोज्ड भाग नॉन इमेज एरिया का निर्माण करेगा और अनएक्सपोज्ड भाग इमेज एरिया का। एक्सपोज प्लेट को वैक्यूम ब्रेंडिंग फ्रेम में लाइट सोर्स के थ्रू एक्सपोजर दिया जाता है और उसके पश्चात जो लेटेंट इमेज बनती है उसको विजिबल बनाने के लिए हम आगे अपना कुछ प्रोसेस करते हैं। उसमें प्रोसेस में डेवलपिंग से पहले स्टॉपिंग आउट किया जाता है, सेलक के चपड़ा नामक एक केमिकल है उससे उसको अनएक्सपोज भाग को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। डेवलपिंग के अंतर्गत अनएक्सपोज्ड भाग को रिमूव किया जाता है और इसके लिए दो सॉल्यूशंस हैं, एक डीप एच डेवलपर है और डीप एच एचिंग सॉल्यूशन है। डीप एच डेवलपर में कैल्शियम क्लोराइड और लैक्टिक एसिड के घटक होते हैं जो उसको डेवलप करते हैं। डेवलपिंग के बाद इसकी एचिंग है, एचिंग में सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन परोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घटक होते हैं। इसके द्वारा अनएक्सपोज्ड भाग यानी नॉन हमारा जो इमेज एरिया बनेगा लाइट से अनएक्सपोज्ड भाग जो हमारा डी पी एच होगा उसके लिए सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ये सॉल्यूशन उसको डेप्थ में लाता है और इस तरह से हमारा इमेज एरिया कुछ कट करके डेप्थ में चला जाता है यानी डीप एच हो जाता है। एक लेयर थोड़ी सी कम की जाती है और इमेज एरिया कुछ गड्ढे में हो जाता है। इस तरह से इसमें दो सॉल्यूशन है, एक डीप एच डेवलपर है और डीप एच एचिंग सॉल्यूशन है। इसके पश्चात एल्कोहल वॉश की एक प्रक्रिया की जाती है, इसके द्वारा उसको कॉपर लेयर एक्सेप्ट करने के लिए एक तैयार किया जाता है और इसके पश्चात ये कॉपराइजिंग की जाती है। कॉपराइजिंग एक पतली परत डीप एच इमेज एरियाज पर अप्लाई की जाती है, ये ऑप्शनल है, आप ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें कॉपराइजिंग इज एन ऑप्शनल स्टेप टू डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ कॉपर ऑन द डीपेस्ट इमेज एरियाज। इसमें सॉल्यूशन जो है वो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, क्यूपरस क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इनके घटक से जो निश्चित प्रकार का बना हुआ कॉपराइजिंग सॉल्यूशन वो अप्लाई किया जाता है जो इमेज एरिया पे अप्लाई होता है। इसके पश्चात नॉन बाइंडिंग लेकर को हम अप्लाई करते हैं। इस नॉन बाइंडिंग लेकर का एक संक्षिप्त कोटिंग डीप एच एरियाज पे की जाती है ताकि इसको इंक रिसेप्टिव मटेरियल के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। एक स्ट्रॉन्ग इंक रिसेप्टिव मटेरियल के थ्रू नॉन बाइंडिंग लेकर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके पश्चात डेवलपिंग इंक को लेकर इमेज एरियाज पर अप्लाई किया जाता है। ऐसा करने से इमेज एरिया ग्रीजी इंक के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं और इनको ग्रीजी यानी ओलियोफिलिक बन जाता है और आगे ये सिर्फ ऑयली यानी इंक रिसेप्टिविटी के लिए ही उपयोगी होगा। इमेज एरिया की एचिंग और इंक रिसेप्टिव बनाने के बाद नॉन इमेज एरिया की जो हमारे लाइट हार्डन्ड भाग हैं यानी कि जो एक्सपोज भाग लाइट हार्डन पोर्शंस हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम क्लियरिंग प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्लियरिंग के पश्चात नॉन इमेज एरिया को वाटर शेप बनाने के लिए हल्की सी एचिंग की जाती है हल्के एसिड के द्वारा और एक वाटर शेडेड फिल्म उस पर अप्लाई की जाती है ताकि नॉन इमेज एरिया स्याही के प्रति नॉन सेंसिटिव और वाटर के प्रति सेंसिटिव बना रहे। नॉन इमेज एरियाज को वाटर शेप्ड बनाने के बाद गमिंग की जाती है। गमिंग प्लेट के एरिया को गम करने के बाद नॉन इमेज एरिया सुरक्षित रहते हैं और आगे जब भी इसको प्रयोग में लेना होता है तो कोई परेशानी नहीं आती कोई डिफेक्ट नहीं आता। तो गमिंग करने के बाद इसको फाइनली प्रयोग के लिए मशीन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। इसके पश्चात हम कुछ सवालों पर विचार कर लेते हैं। डीप एच प्लेट पे कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं कि पहला सवाल हो सकता है कि डीप और एच दो शब्दों का क्या मतलब है। ए पे आएगा गहरा खटा हुआ, बी पे आएगा गहरा उभरा हुआ, सी पे आएगा दोनों गलत, डी पे आएगा दोनों सही। तो हम इसमें ए विकल्प सही मानेंगे गहरा खटा हुआ यानी एच्ड समथिंग इन डेप्थ यानी गड्ढे में धंसा हुआ। दूसरा सवाल हम बना सकते हैं कि डीप एच जो भाग है वो किसका काम करता है। तो ए विकल्प आएगा नॉन इमेज एरिया का, बी आएगा इमेज एरिया का, सी आएगा किसी का भी नहीं, डी आएगा समस्त गलत। तो इसमें हमारा बी विकल्प सही आएगा कि डीप एच भाग जो है वो इमेज एरिया का काम करता है। डीप एच प्लेट की विशेषताएं तीसरे सवाल में पूछी जा सकती हैं। पहला आ जाएगा नॉन इमेज एरिया गड्ढे में होता है, बी आ जाएगा नॉन इमेज एरिया उभरा हुआ होता है, सी आ जाएगा इमेज एरिया गड्ढे में होता है, डी आ जाएगा उक्त समस्त गलत। तो इसमें हम ये मान के चलेंगे हमारा सी विकल्प सही है, सी और डी दोनों सही। हालांकि इसमें सवाल को हमें घुमा सकते हैं, डी पे हम ये विकल्प बना सकते हैं कि बी और सी सही। तो हमारा डी में बी और सी विकल्प हम पटक दे दें तो ये माना जाएगा इसमें नॉन इमेज एरिया उभरा हुआ होता है, इमेज एरिया गड्ढे में होता है, नॉन इमेज इन डेप्थ और इमेज इन सॉरी नॉन इमेज एरिया इन रेस्ट कंडीशन रिलीफ में होता है और इमेज एरिया उसमें। सवाल को हम दोबारा इसी तरह से कह सकते हैं कि डी पी एच प्लेट में इमेज और नॉन इमेज की स्थिति क्या होती है। तो सवाल को रिवाइज कर लें, डी पी एच प्लेट में इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया की कंडीशन क्या होती है। तो पहला विकल्प है दोनों समान तल पर होते हैं, दूसरा विकल्प है दोनों असमान तल पर होते हैं, तीसरा विकल्प है इमेज गड्ढे में और नॉन इमेज ऊपर होती है, और डी है बी और सी सही। तो यहाँ डी विकल्प आएगा बी और सी सही कि दोनों असमान तल पर होते हैं, एक उभरा हुआ एक गड्ढे में। इस तरह हमारा इसमें डी विकल्प आ जाएगा क्योंकि इसमें बी और सी को सही बता रहा है। एक सवाल हम ये बना सकते हैं कि डी बीच में गहरी कटाई किस भाग की जाती है। तो आप ए कहेंगे एक्सपोज्ड एरिया की, बी कहेंगे अनएक्सपोज्ड एरिया की, सी कहेंगे दोनों गलत, डी कहेंगे दोनों सही। तो यहाँ बी भाग आएगा कि जो अनएक्सपोज्ड भाग है हमारा उसकी हम डी बेचिंग करते हैं यानी कटिंग करते हैं, उसको डेप्थ में लाते हैं। बड़ा सवाल हम कर सकते हैं कि डी पीच प्लेट क्या है, इसका एक्सपोजर
कैसे दिया जाता है, इनकी मुख्य क्रियाओं को संक्षेप में बताइए। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी प्लेट जिसमें इमेज एरिया का ड्रेम होता है और नॉन इमेज एरिया की तुलना में कुछ उभरा हुआ होता है, उसको हम डीप एज प्लेट कहते हैं। यानी ऐसी लिथो प्लेटें जिनमें इमेज एरिया कुछ डेप्थ में पाया जाता है, उन्हें डीप एज प्लेट कहते हैं। डीप एज प्लेट निर्माण के लिए कोटेड प्लेट को पॉजिटिव के थ्रू एक्सपोज किया जाता है और पॉजिटिव के थ्रू एक्सपोजर के पश्चात प्रकाश से क्रियायुक्त भाग एक्सपोज्ड एरिया नॉन इमेज एरिया का निर्माण करते हैं, अनएक्सपोज भाग इमेज एरिया का निर्माण करते हैं। एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड की प्रोसेसिंग के दौरान इमेज एरिया को इग्रेसेप्टिव यानी डेप्थ कंडीशन में लाया जाता है और नॉन इमेज एरिया की जो हार्डेंड जो परत है उसको हटाने के लिए अलग से एचिंग की जाती है। यानी दोनों एरिया को, एक को इमेज एरिया को इग्रेसेप्टिव और नॉन इमेज एरिया को वाटर रिसेप्टिव बनाने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है। इसके लिए स्पेशल केमिकल्स होते हैं। इस प्लेट निर्माण के लगभग वही चरण हैं जो सभी के हैं, यानी ग्रेडिंग ऑफ प्लेट, काउंटर एचिंग ऑफ प्लेट, कोटिंग ऑफ प्लेट, एक्सपोजर ऑफ प्लेट, डेवलपिंग ऑफ प्लेट, और चूंकि इसमें एक अतिरिक्त चरण ज़्यादा है एचिंग ऑफ प्लेट, तो एचिंग डेवलपिंग के तुरंत बाद की जाती है। तो पहले जो एचिंग का स्टेज आएगा वो डीप एच ऑफ इमेज एरियाज और दूसरा एचिंग आ जाएगा हार्डन कोटिंग ऑफ नॉन इमेज एरियाज। यानी एक एक बार की एचिंग में इमेज एरिया की जो अनएक्सपोज्ड है एरिया उसको गड्ढे में लाया जाता है, दूसरी बार की एचिंग में नॉन इमेज एरिया को एक्सपोज्ड पोर्शन नॉन इमेज एरिया के एक्सपोज्ड पोर्शन को वहाँ से हटाया जाता है। तो आप संक्षेप में कह सकते हैं वे प्लेटें जो लिथोग्राफी की इमेज कैरियर सरफेस होती हैं जिनमें इमेज एरिया गड्ढे में पाया जाता है और नॉन इमेज एरिया के सापेक्ष कुछ उभरा हुआ होता है, उनको डीप एज प्लेट कहते हैं। ये प्लेट पॉजिटिव के थ्रू एक्सपोज होती हैं। एक्सपोजर के पश्चात डेवलपिंग में इसकी दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। एक बार की क्रिया में अनएक्सपोज्ड भाग जो इमेज एरिया बनाते हैं उनका डेवलपिंग किया जाता है और उनको गड्ढे में लाने के लिए उनकी डीप एचिंग की जाती है। इसके बाद की प्रक्रिया में नॉन इमेज एरिया को के जो एक्सपोज्ड भाग हैं उन पर हार्डन्ड जो कोटिंग है उसको रिमूव किया जाता है। तो इमेज एरिया की एचिंग को डीप एचिंग कहते हैं और नॉन इमेज एरिया के जो हार्डन्ड पोर्शन को हटाने वाले को एचिंग कहते हैं। इस तरह करके हम इसकी भिन्न भिन्न जो स्टेजेस हैं उससे हम डीप एज प्लेट बनाते हैं और उसको गमिंग करके सुरक्षित करके मशीन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। इस तरह हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो नेगेटिव वर्किंग प्लेट और पॉजिटिव वर्किंग प्लेट की प्रक्रिया में कुछ अंतर है और डीप एज प्लेट में इमेज एरिया को डेप्थ में लाने के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ये प्लेट क्वालिटीफुल और लॉन्ग रन के काम के लिए उपयोगी है। ये चैप्टर में बड़ा छोटा सवाल ऑब्जेक्टिव आ सकता है और आप इसकी तैयारी कर लेना। इसके लिए लिथोग्राफर्स मैनुअल है और GATF की दो सरफेस प्लेट मेकिंग और डीप एज प्लेट मेकिंग के दो भाग हैं उसमें से आप पढ़ सकते हैं। कुछ जो नोट्स आपके पास हैं वो पढ़ सकते हैं और कुछ इसमें जो ऑनलाइन जो मैटर है जो भी बताया जा रहा है उससे आप हेल्प ले सकते हैं और आपके 10 नंबर के सवाल के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस कक्षा में आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।